कलीम सियाल साहब से। हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो हमारा पहला चैनल है कॉर्पोरेट ब्रॉडबैंड। दुबई में से कंपनी है जी पी वर्ल्ड, वो कोर्ट कासिम से उनका ऑफिस है। उनका सी एस आर प्रोग्राम है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर, वो जिस स्कूल में वहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं होती या कंप्यूटर की फैसिलिटीज नहीं होती, वो किसी एन जी ओ के साथ या किसी फाउंडेशन के साथ मिलकर वो प्रोग्राम उन्होंने इंडिया में भी स्टार्ट किया। उनका ग्लोबल प्रोग्राम है, तो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी फाउंडेशन को चूज किया वो प्रोग्राम रन करने के लिए। तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कलीम साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ भी अपना प्रोजेक्ट रिजल्ट करें। मेहमान ग्रामीण दोस्तों, साथियों, नई सुबह के तमाम मैनेजमेंट जो फाउंडर मेंबर्स हैं और जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली यहाँ सिंध में, इन तमाम दोस्तों को बहुत मुबारक हो आज के इस प्रोग्राम की। और दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम और भी होते हैं। स्पेशली डॉक्टर साहब ने काफ़ी क्लियर किया इस प्रोग्राम के मौजू को, इस प्रोग्राम की जरूरत को, और बहुत सारी चीज़ें। तालीम तो ज़रूरी है, इसकी कोई राय नहीं, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने के लिए टेक्निकल एजुकेशन की इंतहाई सर ज़रूरत है, और वो हर लेवल पे हर इंसान के लिए, हमारे पढ़ने वाले तमाम उन बच्चों की ज़रूरत है जो स्कूल में रहते हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिनको जिनके वालदैन को इस्तेदा नहीं है कि वो उनको मज़ीद अच्छी या टेक्निकल एजुकेशन दे सकें। इसी इस्लाम में या इसी कनेक्शन में, इसी ख्याल को लेकर हम आगे बढ़े और डिफरेंट इदारों से हमने रब्ता किया, उनसे बात की, उनसे कहा कि हमें इसमें सपोर्ट की जाए ताकि हम अपने वॉलेंटियर या हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं जो हमारे इस नई सुबह फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर विलिंग, वो बहुत ज़्यादा विलिंग है कि हम इस तरह की कोई एजुकेशन फैसिलिटी जो है अपने उन तमाम बच्चों को प्रोवाइड कर सकें जो अंडरप्रिविलेज्ड स्कूल्स उन एरियाज़ के अंदर, जहाँ स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा रही। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन दी जा रही होती है, दिस इज सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई इस तरह की एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मिली है, हमें एक चांस मिला है, और डी पी वर्ल्ड दुबई पोर्ट जो कि दुनिया के बहुत बड़े दुनिया का बहुत बड़ा है लॉजिस्टिक सेल है, और तमाम मोर देन 52 ममालिक के अंदर उनके पोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से हमें ये सपोर्ट हासिल हुई, हमने डी पी वर्ल्ड प्रोजेक्ट हासिल किया और इंशाल्लाह इसकी हम एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। डी पी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में अगर आप देखें स्टार्ट में थोड़ा सा स्टार्ट में, तो हमने ये एनएसएफ हो चुका है, इसकी तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। हम आ जाते हैं कि हमने करना क्या है, हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। वैसे भी हमारा प्रोग्राम जो है कि हम अंडरप्रिविलेज्ड जो भी एरियाज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ, और वो इस लेवल की एजुकेशन हो के उनको आगे उनके करियर के अंदर प्रोफेशनली उनको हेल्प आउट कर सकें कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकें। हाँ, ये कंप्यूटर एजुकेशन जो है ये मोबाइल कंप्यूटर एजुकेशन होगी, हम जाएंगे उन तमाम प्राइवेट सरकारी स्कूल्स में जहाँ ये तालीम नहीं दी जाती, और हम अपने वॉलेंटियर टीचर्स और पूरी टीम जो कि वहाँ जाएगी स्कूल में, और वहाँ पर जाके बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। इसके लिए हमने उसके लेवल्स बना रखे हैं, कुछ सेग्रीगेशन है जो आपको आगे दिखाते हैं। ये वो लेवल 1, 2, 3 के हमने इनको स्टार्ट ऑफ किया हुआ है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को, जिसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, फिर उसकी असेसमेंट होगी, और फाइनली हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाई कर देंगे ताकि वो सर्टिफिकेट ज़िंदगी भर उनके पास रहेगा, और जब कभी भी वो किसी जॉब के लिए या आगे जाने के लिए उस सर्टिफिकेट की मदद से हो सके, क्योंकि वो सर्टिफाइड होगा और वो तमाम जो हम उनको लेवल कराएंगे उनकी उसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद होगी कि इनको हमने ये चीज़ें पढ़ाई होंगी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारी अप्रोच ये है, हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा टारगेट है कि कम से कम 2000 बच्चों को हमने पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएंगे, रिक्रूट करेंगे, हमने ग्रुप्स की शक्ल बना रखी है कि हम कम से कम 4 ग्रुप बनाएंगे, एक ही स्कूल के अंदर हम तकरीबन 8:30 बजे से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 8:30 से 9:30, एक ही घंटे की क्लास होगी, हर लेवल को हम पढ़ाएंगे, वीकली उनका रिकैप होगा,
और लेवल वन टू और थ्री ये बच्चों की एजेस के हिसाब से उनको हमने डिवाइड किया है कि किस एज के बच्चे को हमने क्या पढ़ा, तो इस तरह ये सर। फिर मजीद कुछ हमने जो है इसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की बाकायदा इसमें हमने अटेंडेंस होगी, उनकी जो है इक्विपमेंट जो स्टेटस होगा वो हम उनको सारा दिखाएंगे। ये हमारे सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स में अगर आप देख सकें, हमारी टीम ने इस प्रपोजल से पहले एक वर्कआउट किया या एक सर्वे किया। हमारी टीम के कुछ लोग थे जो डिफरेंट स्कूल्स में गए हैं, डिफरेंट स्पेशली जो हमारे इस इब्तदाई में है या हमारे सराउंडिंग में, स्पेशली गुलशनगरी बिंदा से पिपरी वगैरह, ताकि हम उनको रिजिबल हो सकें। वहाँ जाकर उन्होंने ये काम किया और स्कूल्स देखे कि उन स्कूल्स के अंदर क्या सहूलत आ रही, वहाँ के टीचर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया गया कि उनको कंप्यूटर एजुकेशन दी जाएगी। लिहाजा हमने गुलशन हदीर गुलकासम की सराउंडिंग के अंदर ये तकरीबन 10-5 स्कूल्स हैं जिनको हमने एजुकेट करना है, वहाँ के बच्चों को जाके हम कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि हम मोबाइल एजुकेशन है, हम खुद जाएंगे स्कूल्स में और जाकर उनको कंप्यूटर एजुकेशन देंगे, बच्चों को सर्टिफाई करेंगे और बच्चे आगे चल के उनकी एजुकेशन होगी। तो एजुकेशन के साथ कंप्यूटर एजुकेशन, और थैंक यू वेरी मच कि आप हमें मजीद इसमें सपोर्ट होगी, तो आप तमाम लोगों से हमारी दरखास्त है कि हमें मजीद इस तरह के सपोर्ट करते रहें इस तरह के प्रोग्राम्स में हमें, और हम वी आर वॉलंटियरली रेडी टू वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच मौजूद है।